उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अच्छा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, त्याग पत्र की झड़ी लगी हुई है। इन सबके बीच एनडीए से बगावती सुर सुनने के लिए मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी को नेताओं के मान सम्मान का ख्याल रखने की सलाह दे रही हैं। दरअसल यूपी चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी की ओर से हुई समीक्षा के क्रम से साफ संकेत मिल रहा था कि इस बार कई मंत्री कई विधायकों के टिकट हैं जो कटने वाले हैं। भाजपा 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विधायक या मंत्रियों को इस बार टिकट देने के मिजाज में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा सर्वे में जिन विधायकों के कामकाज को लेकर नाराजगी का मामला सामने आया है, पार्टी उन्हें भी टिकट देने के मूड में नहीं नजर आ रही। इन तमाम मामलों ने विधायकों के बीच हड़कंप मचा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद कई विधायक पहले से ही सेफ जोन की तलाश कर रहे हैं। डर है इन विधायकों को टिकट कटने के बाद विपक्षी दलों में भी तरजीह मिलेगी या नहीं। अब इन सबके बीच आपको बता दें, एनडीए में शामिल अपना दल ने भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे दी है। इस पार्टी का कहना है, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना दुखद है। पार्टी ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान को भी खारिज कर दिया है। पार्टी ने साफ किया है कि अपना दल एनडीए के साथ है। अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य आशीष पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य मामले पर कहा कि उनका बीजेपी और एनडीए से जाना दुखद है। आशीष पटेल का कहना है, बीजेपी को नेताओं के आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह पूरे मामले को अपने हाथ में ले। आपको बता दें, साल 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद अनुप्रिया पटेल की नाराजगी की खबरें सामने आई थी। राजनीतिक जानकारों का कहना था, साल 2014 में जीत के बाद अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का दर्जा मिला था, लेकिन वो साल 2019 के पोर्टफोलियो में बदलाव चाहती थी, इसलिए मोदी कैबिनेट के गठन के दौरान पहली बार शपथ नहीं ली। साल 2021 में मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में वो साझेदारी बनी, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। यूपी चुनाव को लेकर अपना दल और भाजपा के बीच सीटों का बंटवारा फिलहाल नहीं हुआ है, इसलिए पार्टी की ओर से आने वाले इस तरह के बयानों को दबाव की राजनीति के तौर पर खुले तौर से माना जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।